गाइस, मैं हूँ मेघा। आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज। बहुत दिन बाद हुआ है मेरा ये वीडियो। आज बहुत ही शॉकिंग इविक्शन हुआ है, नेहा का इविक्शन। और ये हमें पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ मेकर्स की या बिग बॉस वालों की ही चाल है, क्योंकि इतने जल्दी दो लोगों के बीच वोटिंग कभी रखा नहीं था और इस बार ऐसे रखा गया था। दो ही लोगों को नॉमिनेट किया गया था, बल्कि इतने सारे लोग थे उनमें से तीन लोगों को पहले नॉमिनेट किया गया, फिर शांत चले गए सीक्रेट रूम में, फिर बाद में डबल इविक्शन की तरह दो ही लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया। दोनों भी शो के लिए बहुत अच्छे थे, करणवीर भी अच्छा है और नेहा भी। नेहा एग्रेसिव नहीं थी, नेहा पीछे से खेल रही थी, लेकिन नेहा एक स्ट्रांग कंटेंडर थी। जिस तरह से वो टास्क करती थी वो देखने में मजा आता था, जिस तरह से वो कुछ मॉर्निंग डांस करती थी, जिस तरह से वो अपना ओपिनियन रखती थी, कुछ थोड़ी ही उसकी बातें होती थी लेकिन जो भी करती थी वो देखने में मजा आता था। थोड़ा सा करण भी और नेहा भी बैकफुट पे खेल रहे हैं। करण थोड़ा शीशांत के पीछे रहता है और नेहा दीपिका के पीछे पीछे से खेल रही थी। लेकिन अगर हम बाकी कंटेस्टेंट को देखेंगे तो उनके हिसाब से नेहा बहुत ही अच्छी है और नेहा बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रही थी। और घर में उसने बहुत ही अच्छे माहौल को मेंटेन करने के लिए ट्राई किया है। और वुड पे हम देखेंगे तो उसकी एंटरटेनिंग वीडियोस भी बहुत सारी। सब बताया जा रहा है कि मेकर्स को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते थे नेहा को, और उस तरीके से उसने एंटरटेन नहीं किया। जितना कंटेंट उसको देना चाहिए उतना कंटेंट उसने नहीं दिया, इसलिए नेहा को निकाला गया है। पता नहीं है, बहुत सारे फैंस हैं नेहा के सोशल मीडिया पे। हम देखेंगे तो करणवीर, दीपिका, नेहा, सृष्टि, श्रीशांत, इन लोगों के ही ज्यादा फैन है। उसमें नेहा के भी बहुत सारे फैन हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आया है नेहा का इविक्शन, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने देखा है कि हितेन का इविक्शन भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि हितेन बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था, अच्छे से जा रहा था, एक नॉर्मल बिहेवियर था उसका जो नॉर्मल लोगों को पसंद आ जाए ऐसे बिहेवियर था, फिर भी इतने इविक्ट हुआ था। सलमान भी उस टाइम बहुत अपसेट हुए थे, उसी तरह का इविक्शन लगा मुझे नेहा का भी। कुछ भी उसमें इतनी जल्दी नेहा नहीं जानी चाहिए थी, फिर भी आज वो चली गई है। आज के एपिसोड में नेहा के इविक्शन के सिवा बाकी कुछ था नहीं। पहले ही आ जाई थी काजोल, जो कल के एपिसोड में भी थी, और आ जाई थी काजोल। इस वीक में पूरा जो हुआ है, जो फाइट हुई है शिवाशीष दीपक की, सभा सौम्य और सृष्टि की, उसपे उसके बारे में कल बहुत बैश किया है सलमान ने, सबको डांटा है। मैं किसी को भी घर से निकाल सकता हूँ ये वो बोला है, लेकिन आज का एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग किया सलमान ने और बाकी के लोगों ने भी। पहले आई थी काजोल हेलीकॉप्टर इला के प्रमोशन के लिए आई थी, तो उसने आते ही हेलीकॉप्टर घर में कौन है ऐसे पूछा, तो दीपिका है सबने बोल दिया। उसके बाद वीक कंटेस्टेंट कौन है तो सबने बोला उर्वशी और नेहा। और कहीं ना कहीं नेहा एंटरटेन के बारे में कम पड़ती है, बाहर से जो भी कोई जाता है वो सब लोग बोल देते हैं। करण ने बोला था आज, वो डांस दीवाने के जो डांसर लोग गए थे उन्होंने भी बोल दिया था कि नेहा एंटरटेन के बारे में कुछ कम है और सुशांत गुस्सा ज्यादा करता है और नेहा एंटरटेनमेंट कम दे रही है, ये तो सबने बोला है। लेकिन फिर भी बाकी जोड़ियों में जो है वो भी बहुत सारे लोग एंटरटेन नहीं करते हैं, उनसे तो ज्यादा नेहा एंटरटेन करती थी। नेहा जो जिस तरीके से टास्क खेलती थी वो टास्क देखने में मजा आता था, लेकिन बिग बॉस के घर में रहना है तो एग्रेशन चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लोगों के दिल में नहीं उतरना है तो चलेगा, लेकिन एग्रेशन चाहिए। जैसे कि सुरभि है, किसी को मुझे नहीं लगता सुरभि किसी को पसंद आती होगी, लेकिन सुरभि शो को बहुत सारा मसाला दे रही है, ऐसा मेकर्स का कहना है। एक्चुअली वो मसाला हमें देखने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, फिर भी वो मसाला देती है। जिस टाइप का एग्रेशन कभी कभी श्रीशांत दिखाते, हर बात पे गुस्सा, हर टास्क में गुस्सा, फिर भी श्रीशांत को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से श्रीशांत आए हैं वहां से ही उनके ज्यादा फैंस है, तो उनको पसंद करने वाला भी बहुत सारा ऑडियंस है। और आज और एक बात हुई थी, वो सुल्तानी अखाड़ा था, सुल्तानी अखाड़ा में दीपिका ही ज्यादा बार गई है, और आज भी दीपिका और सुरभि राणा दोनों का सुल्तानी अखाड़ा था। पहला राउंड हुआ वर्बल राउंड में, तो सुरभि किसी को जीतने नहीं देगी, वो चिल्ला के बोल रही थी, बहुत सारी चीजें बोल रही थी। सलमान भी रुको रुको बोल रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, दीपिका को बोलने नहीं दे रही थी। एक्चुअली दीपिका जो बोल रही थी वो सही था,
सुरभि भी उसकी कुछ कुछ चीजें सही बोल रही थी कि वो खुद को स्ट्रांग समझाने के लिए, बताने के लिए हर एक को वीक दिखाने की कोशिश करती है, हर एक को जाके समझाती है वगैरह वगैरह, लेकिन सुरभि की कुछ चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका बोलने का स्टाइल ही वैसा है कि इरिटेटिंग है। फिर भी सब वो घर वालों ने सुरभि को सपोर्ट किया। जो खाने का था वो उसने बड़ा इशू बनाया कि आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ बोली है दीपिका। उस बात से बहुत हर्ट हो जाती है। और वो ढोल बजाने वाला टास्क था, दोनों को बांधा था कमर में, और ढोल बजाने वाला टास्क का तो हमें पता ही था, जाते समय ही पता था सुरभि जीतने वाली है सुल्तानी अखाड़ा, क्योंकि सुरभि तो रूडीज से आई हुई है और सुरभि ने वो अच्छे से जीत लिया आज का राउंड। लेकिन दीपिका हर्ट हो जाती है क्योंकि वो जो खाने का इशू हुआ था, तो करण जाके दीपिका को सपोर्ट करते हैं, नेहा भी करती है, लेकिन करण बोलते हैं आपने वो सब वेजिटेरियन के बारे में बोला था, आप गलत नहीं हो। दीपिका बोलती है मिस इंटरप्रेट किया गया है मेरे इस सेंटेंस को, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शकों को पता है, ऐसे वैसे बोलती है वो। अभी इस शो में अब तक कितने दिन हुए, फिर भी कोई भी पसंद नहीं आ रहा है मुझे। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि किसी को बार बार देखना चाहिए या कोई अच्छे से खेल रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है। अभी सब लोग सिंगल हो जाएंगे तब शायद कोई पसंद आ जाए। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट। अब हमें नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है कि श्रीशांत और अनूप जी सीक्रेट रूम से बाहर आने वाले हैं, और आते ही सब लोगों में क्या होने वाला है। श्रीशांत थोड़े दीपिका से गुस्सा है, दीपिका जो भी ओपिनियन रखती है उसके अगेंस्ट बोलते हैं, ये हमने सीक्रेट रूम में देखा है, देखो देखो। जलोटा जी को बोलते हैं, देखो देखो ये लड़की कैसे करती है, सृष्टि को सपोर्ट नहीं कर रही है, उर्वशी को ऐसा बोल रही है, शिव को उसने ऐसे बोला। यानी कि श्रीशांत कहीं ना कहीं गुस्सा है। इविक्शन के टाइम पे जो दीपिका ने उनका नाम लिया था उसी बात पे वो गुस्सा है। और कल जब आते हैं तब दीपिका भी ज्यादा रोती है। उसके बाद जो डांस दीवाने का वो छोटा बच्चा आता है, उसका नाम मैं भूल गई, वो आता है, वो बॉल लेके आता है, जो शिवाशीष और दीपक की जो अनबन हुई थी उसके बारे में कमेंट करता है। नेहा को बहुत ज्यादा एंटरटेन करने को बोला जा रहा था आज वो पोल डांस, और बीच में भी डांस में आई थी नेहा बार बार, सब लोगों ने डांस किया। काजल के सामने भी जसलीन ने बहुत अच्छे से डांस किया, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, शिवाशीष और जसलीन ने। उसके बाद दीपक और उर्वशी का थोड़ा हुआ ड्रामा, जो जा सिमरन जा वाला डायलॉग है DDLJ का, उनको करने नहीं आ रहा था तो बार बार रिपीट किया उन्होंने। इस तरीके से आज एंटरटेनिंग हुआ आज का डे पूरा, प्रमोशन में ही चला गया डांस दीवाने और हेलीकॉप्टर हिला के। बाकी सबा सोमी के साथ सृष्टि बात करती है, हम दोनों ने हमारा मौका गवा दिया, झगड़े में हमने ये कर दिया, कोई भी एक कैप्टन बनता तो चलता, लेकिन अब हम में से कोई भी नहीं बनेगा। और सबा भी सॉरी बोलती है, और सृष्टि भी बोलती है कि हमारी गलती हुई है। करण और दीपक को जब सॉन्ग बोलने को बोलते हैं सलमान, तो करण दीपक के बारे में बोलता है ये बकवास करता है, हाय हुक्का हाय हुक्के वो सॉन्ग बोल के बोलता है ये बकवास करता है। इमिडिएटली दीपक बोलता है कि ये चुपड़ी चुपड़ी चाची है, लेकिन चुपड़ी चाची और चुगली करने वाली चाची तो पहले दीपक है, दीपक को ये पता नहीं है शायद, लेकिन करण से ज्यादा चुगलियां दीपक ही करता है, और बकवास भी ज्यादा करता है कभी कभी, बहुत ज्यादा बोलता है। उर्वशी को वो हमेशा समझाता है कि आप खुद को एक्सप्रेस करो एक्सप्रेस करो, लेकिन आपको नहीं लगता दीपक थोड़ा ज्यादा ही खुद को एक्सप्रेस करता है, बहुत ज्यादा बल्कि एक्सप्रेस करता है। और कल के एपिसोड में ये होने वाला है कि बहुत 1 month हो चुका है बिग बॉस को, और 1 महीने के बाद बिग बॉस सब जोड़ियां ब्रेक कर रहा है, और हर एक कंटेस्टेंट को आगे से सिंगल खेलना है। अगर ये सब सिंगल खेलेंगे तो नेहा उन सब में बहुत स्ट्रांग कंटेंडर थी, बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर थी। वो सब जोड़ियां जब सिंगल हो जाएंगी तो नेहा उनसे ज्यादा एंटरटेन कर रही थी, उनसे ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन पता नहीं अभी क्या हुआ है। लेकिन नेहा ये कुछ भी मन पे नहीं लेती है, वो बहुत ही स्ट्रांगेस्ट गर्ल है। वो बोलती है कोई भी नहीं रोएगा, आई एम ओके विद दैट, ऐसे बोल के वो हंसते हंसते चली जाती है। करण और दीपिका को बहुत दुख होता है, दीपिका भी हर्ट हो जाती है। इस वीक में ज्यादा धक्के मुझे लगे हैं, सिशांत भी चले गए और नेहा भी जा रही है, इसलिए दीपिका ज्यादा रोती है। अभी पता नहीं नेहा तो वाइल्ड कार्ड में नहीं आएगी शायद, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता वो आए, क्योंकि पहले ही मेकर्स ने उसको निकाला नहीं होता अगर वो आने वाली होती तो, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने जैसे थे, अनूप जलोटा जी उर्वशी, बहुत सारे लोग कुछ एंटरटेन नहीं कर रहे, सौरभ भी बैक से ही खेल रहा है, इतना एंटरटेन नहीं करता है वो। फिर भी नेहा चली गई है, अब वैसे भी 1 महीना हो चुका है, फिर भी बिग बॉस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम बिग बॉस डेली एकदम ईगरली देखे। अब ये जब सब लोग सिंगल हो जाएंगे तब थोड़ा मसाला मिलेगा, या सब एक दूसरे के ऊपर कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तब ये बिग बॉस थोड़ा देखने लायक हो जाएगा। तो
तो कल से हम देख सकते हैं क्या होने वाला है। लेकिन आज का नेहा का इविक्शन थोड़ा मुझे शॉकिंग ही लगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट करना ना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन हिट करना। टेक केयर, बाय।